हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास रीजनिंग का 8वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच में है। आपको एक संख्या का सेट दिया गया है और प्रश्न में आपसे पूछा गया है इन संख्या के बीच में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध कौन सा ऑप्शन में दिया गया है संख्या के बीच में। ठीक है, समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। आपको संख्या दिया गया है 4, इसके बाद दिया गया है 9, इसके बाद दिया गया है 37। यहाँ पे देखिए 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगा 8, 8 में प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 9। इसके बाद 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगा 36, इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 37। इसी प्रकार का रिलेशन चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है संख्या के बीच में। ऑप्शन ए में संख्या दिया गया है 9, इसके बाद दिया गया है 19, इसके बाद दिया गया है 77। यहाँ पे देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ जाएगा 18, इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 19। इसके बाद 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ जाएगा 76, इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 77। तो जो रिलेशन यहाँ पे है संख्या के बीच में वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। इस सीरीज में आपको संख्या दिया गया है 9, इसके बाद दिया गया है 28, इसके बाद दिया गया है 86, इसके बाद दिया गया है 261, इसके बाद पूछा गया है कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे देखिए 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा संख्या आ जाएगा 27, इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 28। इसके बाद 28 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगा 84, 84 में प्लस का 2 ऐड करते हैं संख्या आ जाएगा 86। इसके बाद 86 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगा 258, इसमें प्लस का 3 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 261। इसी प्रकार 261 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्लस का 4, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ जाएगा 783, 783 में प्लस का 4 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 787। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग रिकॉर्डिंग का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन कौन सा लेटर आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन लेटर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन लेटर का प्लेस वैल्यू को लिखना है। जैसे समझिए एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, इसके बाद की आता है 11 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए 8 से संख्या हुआ है 11, इसमें किया गया है प्लस का 3, इसी प्रकार 9 से संख्या हुआ है 12, तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 3, इसके बाद 11 से संख्या हुआ है 14, तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 3। इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे पहला लेटर है P, तो P का प्लेस वैल्यू होता है 16, Q का प्लेस वैल्यू होता है 17, S का प्लेस वैल्यू होता है 19। इन संख्या में प्लस का 3 ऐड करेंगे, 16 में 3 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 19, इसके बाद 17 में 3 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 20, इसके बाद 19 में प्लस का 3 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 22। और 19 नंबर पे लेटर आता है S, इसके बाद 20 नंबर पे लेटर आता है T और 22 नंबर पे लेटर आता है V। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है S, T, V? ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। सबसे पहले आपको इन दोनों संख्या के बीच में चेक करना है किस प्रकार का रिलेशन है
सेम रिएक्शन आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगा 10, इसी प्रकार 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ जाएगा 16, लेकिन आपको ऑप्शन में 16 नहीं दिया गया है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा रॉन्ग। और समझिएगा इसके रियल लॉजिक को, यहाँ पे देखिए अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या आ जाएगा 25, 25 में दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ जाएगा 10, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर कर देंगे संख्या आ जाएगा 64, 64 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 24, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इन दोनों शब्द के बीच में किस प्रकार का संबंध है, सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से, जिस प्रकार घड़ी समय को बताने का काम करता है उसी प्रकार तापमापक जो होता है तापमान को बताने का काम करता है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तापमान, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का, आपको इस फिगर का बताना है मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले इस वाले फिगर को देखिए, ये जो दिया गया है वर्ड का इमेज, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद ये जो ट्रेंगल दिया गया है इसका इमेज यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से। दर्पण से जो वस्तु जितना दूरी पर स्थित होता है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, ठीक है। इसके बाद ये जो सर्कल दिया गया इस सर्कल का इमेज यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया इस प्रकार का इमेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, समझिएगा। आपको संख्या दिया गया है 76, इसके बाद लेटर है सी, सी का अर्थ है माइनस, इसके बाद संख्या है 54, इसके बाद लेटर है डी, तो डी का अर्थ है प्लस, इसके बाद संख्या है 210, इसके बाद लेटर है बी, तो बी का अर्थ है डिवाइड, इसके बाद संख्या है 3, इसके बाद लेटर है ए, ए का अर्थ है मल्टीप्लाई, इसके बाद संख्या है 15। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 76 माइनस का हो जाएगा 54, इसके बाद प्लस में आ जाएगा 70, क्योंकि 210 में 3 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 70, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 76 माइनस का हो जाएगा 54, इसके बाद प्लस में आ जाएगा 1050। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 1126, 1126 में से माइनस करेंगे 54, इसको आगे सॉल्व करेंगे संख्या आ जाएगा 1072, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। ये जो त्रिभुज है ये दर्शा रहा है महिला को, इसके बाद सर्कल दर्शा रहा है गायक को, और आयत दर्शा रहा है व्यक्ति को। प्रश्न में आपसे पूछा गया है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक है, तो केवल गायक आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले इस वाले एरिया को इस तरह से क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये एरिया है महिला का। आपसे पूछा गया है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक है, तो ध्यान से देखिए 12 ऐसे व्यक्ति है जो केवल गायक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, इस फिगर में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। पहला कॉलम में संख्या दिया गया है 16, इसके बाद दिया गया है 36, इसके बाद दिया गया 38, इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 16 प्लस का 36 प्लस का 38, इन तीनों संख्या को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 90। इसी प्रकार दूसरा कॉलम के संख्या को आपस में जोड़ेंगे, संख्या दिया गया है 49, इसके बाद है 25, इसके बाद संख्या दिया गया है 16, इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 90। इसी प्रकार का रिलेशन बनाना है तीसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में संख्या दिया गया है 64, इसके बाद दिया गया है 6, 64 प्लस का 6, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे
संख्या आ जाएगा 70। अब 70 में प्लस का 20 ऐड करेंगे तब जाके संख्या आएगा 90। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। आपको शब्द दिया गया है मनुष्य, इसके बाद दिया गया है चिकित्सक, इसके बाद दिया गया है स्नातक। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, समझिएगा। ये हो गया मनुष्य का वेन डायग्राम, इसके बाद कुछ चिकित्सक जो है स्नातक भी होगा और कुछ स्नातक चिकित्सक भी होगा, तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।